अलेक्जेंडर पैरेट की फूड लिस्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर पैरेट का मेन ओरिजिन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है और इसका लाइफ स्पैन 25 से 40 साल तक का होता है। ये एक फैमिली कंपेनियन बर्ड है और ईजिली टेम हो जाता है और इसकी टॉकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। 10 से 20 अल्फाज तो ये आराम से सीख जाता है। अलेक्जेंडर पैरेट के साल में दो बार अमूमन मोल्टिंग टाइम आता है जिसमें इसके पर और टेल गिरना शुरू हो जाते हैं और वो ऐसे दिखते हैं जैसे बिस्तर से बगैर बाल ब्रश करके आ गए हों। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, 3 हफ्ते में ये खुद से ठीक हो जाते हैं। एहतियात ये करनी है कि मोल्टिंग पीरियड में उनको 2 बादाम रोज़ाना दें, हो सके तो शेल के साथ। चलें आइए देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बाकी और कौन सी चीज़ें हैं जो ये आराम से खा सकते हैं और किन चीज़ों से एहतियात करनी है। सेब देना है लेकिन उसके बीज नहीं, अनार भी दे सकते हैं और आम तो बहुत शौक से खाते हैं। आलूचा और आलू बुखारा भी दे सकते हैं और केला भी। अमरूद तो इनकी बेहतरीन फेवरेट ग़िज़ा है। आड़ू दें पर कच्चा ना हो। तरबूज गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करता है और पपीता भी थोड़ी मिकदार में दें और खरबूजा भी गर्मी के मौसम में दे सकते हैं और गंडेरियाँ तो इनको बेहद पसंद हैं। और सिट्रस फ्रूट थोड़े थोड़े करके दें, अंगूर दें लेकिन खट्टे ना हों। बेरीज भी आप उनको दे सकते हैं। भुट्टा तो ये बहुत शौक से खाते हैं। खीरा गर्मी में पानी की कमी को पूरा करता है और टिंडे भी गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे हैं। शिमला मिर्च बीज निकाल के दें और लौकी भी गर्मी के मौसम में इनके लिए बेहतरीन है। हरी मिर्च तो रोज़ाना एक दें इनको। मिर्ची खाने से ये पेट के कीड़ों से महफूज रहते हैं। दूसरा, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। पुदीना हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। पालक थोड़ी मिकदार में दे सकते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है। हरा धनिया ठंडा होता है, ना खिलाएं तो बेहतर है। तोरी बहुत अच्छी है। आलू इनको उबाल कर दें और भिंडी भी ये रॉ खा सकते हैं। शकरकंदी भी इनको थोड़ी मिकदार में दी जा सकती है, वो भी उबाल कर। चुकंदर भी ये खा सकती हैं और फूल गोभी भी। उसके अलावा नट्स में इनको किशमिश, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड और हम इनको स्प्राउट्स भी दे सकते हैं। घर की बनी हुई रोटी, घर में बॉयल हुए हुए राइस और लेंटल्स यानी दालें जो भी हों आप उनको बॉयल करके और गंदम का दलिया या जौ का दलिया ये सब उबाल कर देना है। इसी तरीके से लाल चावल आते हैं, वो आपके पैरेट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। चनों, काले चनों को भी भिगो कर फिर बॉयल करके दें और नट्स भी आप उनको दे सकते हैं और इंजीर भी इनके लिए फ़ायदेमंद है और पास्ता भी। कुछ चीज़ों से एहतियात करनी है और अवॉइड करना है कि हमें ये चीज़ें अपने बर्ड को नहीं देनी, जिनमें आपको सेब के बीज, इसी तरीके से नाशपाती के बीज और इसी तरीके से जो फलों की गुठलियाँ होती हैं, बीज होते हैं, वो नहीं देने। एवोकाडो नहीं देना और रॉ जो बीन्स होती हैं वो बीन्स नहीं देनी। इसके अलावा सलाद के पत्ते और कैबेज, ये लीव्स वगैरह नहीं देनी। और चॉकलेट, जो भी कुछ मीठा हो, डेयरी प्रोडक्ट हो और स्वीट हो, वो नहीं देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।